तो फ्रेंड्स, इस क्लास में जो है हम आय की मात्रा से बने शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना सीखा था। इससे पहले वाले क्लास में हमने ए की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीखा था। यदि उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो इस क्लास को रोक करके सबसे पहले उस क्लास को देख लीजिए, तब आप जो है ना ए की मात्रा से बने शब्दों को यानी इस क्लास को आप देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आय ये जो है ना आय है, ठीक है, इसकी मात्रा जो है ना ये है, यहाँ पे दो एकले होगा, ठीक है, ऊपर, इसको आयकार कहते हैं। अगर एक रहेगा इस तरह से देखिए, ये जो है ना ये है, ये एक की मात्रा है, एक रहेगा तो एक की मात्रा, इसको एकार कहते हैं, ठीक है, इसका साउंड निकलेगा ए। लेकिन यदि दो एकले रहेगा इस तरह से तो ये जो है ना अय की मात्रा, इसका साउंड निकलेगा अय, ठीक है। अगर एक एकले रहेगा तो उसका उच्चारण ए होगा, डबल रहेगा तो अय होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अय की मात्रा का प्रयोग जो है ना अक्षरों में जोड़कर उसका उच्चारण करना सीखते हैं। देखिए क, और यहाँ पे अय की मात्रा है तो ये बनेगा इस तरह का अक्षर, देखिए क, क पे अय की मात्रा, इसका उच्चारण होगा कय, यानी क, क पे अय की मात्रा, कय ख, और यहाँ पे अय की मात्रा है, इसका उच्चारण होगा खय, ग, ग पे अय की मात्रा क्या बनेगा गय, घ, घ पे अय की मात्रा क्या होगा घय, च, च पे अय की मात्रा क्या होगा चय, छ, छ पे अय की मात्रा क्या होगा छय, ज, ज पे अय की मात्रा क्या होगा जय, झ, झ पे अय की मात्रा क्या होगा झय। तो इस प्रकार से आप जो है ना अय की मात्रा से बने अक्षरों को आप उच्चारण करना सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम अय की मात्रा से बने शब्दों का हम उच्चारण करके पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क, और यहाँ पे अय की मात्रा म, फिर यहाँ पे र, र में आ की मात्रा, तो देखिए शब्द बनेगा कय, यहाँ पे क में आय की मात्रा कय, म, रा, कैमरा, थ, यहाँ पे आय की मात्रा, फिर यहाँ पे ला, तो देखिए शब्द बनेगा थे, ला, थैला, यहाँ पे देखिए ड, क, क पे आय की मात्रा कै, त, क्या होगा शब्द बनेगा यहाँ पे ड, कै, त, डकैत, यहाँ पे देखिए प, प में आय की मात्रा, और यहाँ पे सा, तो देखिए शब्द बनेगा पै, सा, पैसा। तो इस प्रकार से आप जो है ना आय की मात्रा से बने शब्दों का आप उच्चारण करके पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम आय की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग, ग पे आय की मात्रा क्या होगा गय, अर, गैर, तय, ये तो पे आय की मात्रा तय, अर, तैर, खय, अर, खैर, बै, अर, बैर, सै, अर, सैर, चय, अन, चैन, नय, अन, नैन, रै, अन, रैन, मै, अल, मैल, बैल, कैसा, जैसा, वैसा, मैं या मैया, भय या भैया, थै ला थैला, फै ला फैला, मैं ला मैला, नै ना नैना, पै ना पैना, है रा न हैरान, मैं दा न मैदान, शै ता न शैतान, ल ठै त लठैत, ड कै त डकैत,
गवैया, गवैया। ख प रै ल, खपरैल। नै नी ता ल, नैनीताल। दै नी क, दैनिक। सै नी क, सैनिक। तो इस प्रकार से आप जो है ना उच्चारण करके अय की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गैर, तैर, खैर, बैर, सैर, चैन, नैन, रैन, मैल, बैल, कैसा, जैसा, वैसा, मैया, भैया, थैला, फैला, मैला, नैना, पैना, हैरान, मैदान, शैतान, लठैत, डकैत, गवैया, खपरैल, नैनीताल, दैनिक, सैनिक। तो इस प्रकार से आप जो है ना डायरेक्ट पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए अब अय की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैलाश, देखिए कै ला श, कैलाश। व नै ना, नैना। मी त्र, मित्र। हैं, तो इसको आप उच्चारण करके भी पढ़ना सीख सकते हैं या इसको डायरेक्ट भी पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, कैलाश व नैना मित्र हैं। कैलाश व नैना सुबह सैर पर जाते हैं। कैलाश एक कुशल तैराक भी है। वह नैना के साथ मैदान में खेलता है। कैलाश नैनीताल से कैमरा लाया। नैना ने वह कैमरा देखा। वह उसे घर ले गई। एक दिन नैना के घर डकैत आए। डकैत पैसे व कैमरा ले गए। नैना परेशान थी। तभी कैलाश अपना कैमरा लेने आया। नैना ने उसे सच बता दिया। कैलाश बहुत दुखी हुआ। वह घर आया। घर से पैसे लिए। वह बाजार से एक नया कैमरा ले आया।
कैमरे के लिए नैना ने भी पैसे दिए। तो इस प्रकार से आप जो है ना ऐ की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि आज का क्लास आपको अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं आया है तो एक बार इसको और रिपीट करके पढ़िए ताकि आपको अच्छे तरीके से ऐ की मात्रा से बने शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना आ जाए, जिससे आपको आगे हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहें। और आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।